सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जिले के इकौना इलाके में विजिलेंस टीम की ने छापेमारी की, जिससे पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया। अचानक बहराइच जिले से विजिलेंस की टीम इकौना कस्बे में पहुंची, जिसने कस्बे के विभिन्न दुकानों, घरों आदि पर रेड मारते हुए लगभग आधा दर्जन चोरी पकड़ी और उनके ऊपर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया। इकौना कस्बे के तिलक नगर, मुबारक नगर, अस्पताल रोड और तहसील के पास विजिलेंस टीम ने इकौना के विद्युत कर्मियों के साथ छापेमारी की, जहां पर चोरी करते हुए कई लोग भरे गए। किसी घर में एक कनेक्शन के बजाय दो कनेक्शन मिले तो कहीं पर बिजली विभाग की तरफ से बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए जाने के बाद भी वहां पर बिजली की लाइन जुड़ी हुई मिली। तिलक नगर मोहल्ले में विजिलेंस टीम के पहुंचते ही मकान मालिक घर के पिछले रास्ते से निकल गया, जिसको पीछे से जाकर विजिलेंस टीम ने पकड़ा और उसकी पूरी जानकारी जुटाई। इकौना के तिलक नगर की ये तस्वीर। टीम ने विभिन्न मोहल्लों में जाकर लोगों के घरों पर छापेमारी की, जहां पर आधा दर्जन लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से 5 के विरुद्ध 135 तथा 1 के विरुद्ध 138 की कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाने में 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया जा रहा है। इकौना कस्बे का ये पूरा मामला है, जब विजिलेंस की टीम इकौना के विद्युत कर्मचारियों के साथ और अधिकारियों के साथ पहुँची और लोगों के घरों पर छापेमारी की, जिसमें 6 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा, जिसमें से 5 लोग सीधे तौर पर विद्युत चोरी कर रहे थे। साथ ही एक घर में 138 के तहत कार्रवाई की गई, जहां पर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, उसके बावजूद भी यहां पर बिजली का कनेक्शन जुड़ा हुआ मिला। आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध इकौना थाने में तहरीर दी गई है और उनके ऊपर FIR दर्ज कराने की तैयारी बिजली विभाग कर रहा है। टीम में इकौना के प्रशांत कुमार त्रिपाठी, अनीश कुमार समेत कई कर्मी मौजूद रहे। साथ ही विजिलेंस की टीम मौजूद रही, जिन्होंने विभिन्न घरों में जाकर वहां चोरी पकड़ी और उनका बाकायदा लिखापढ़ी की गई है। इकौना कस्बे की पूरी तस्वीर है आपके स्क्रीन पर, आप भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार विजिलेंस की टीम इकौना कस्बे में पहुँची, जिसके चलते कस्बे में हड़कंप का माहौल दिखाई पड़ा।